कि 90 निकायों का जो भंग हो गया, जो जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो आप उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चला जाए, स्टेट का पूरा कार्य वो लोग देखें, और उनके वश की ये बात है नहीं, क्योंकि उनको जनता से सीधा कोई मतलब होता नहीं। ये लोग जनता के प्रतिनिधि होते हैं और यही इनका काम देखते हैं कि सरकार 15 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण दे कि उसकी क्या कार्ययोजना है और वो ये चुनाव को कब करा रही है। और अगर 15 दिनों के भीतर सरकार स्पष्टीकरण नहीं देती है तो हम लोग या तो कोर्ट की शरण में जाएंगे या आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एक संवैधानिक बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव, और सारा पावर वेस्ट कर जाए नौकरशाही में, इससे बुरा प्रजातंत्र में और कुछ नहीं होता। किसी भी अपराध से गंदा अपराध है इसको। आज हमारे शैडो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो यही सवाल पूछने के लिए रखा गया है, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि ये जो शहरी निकायों के जो चुनाव होने थे वो चुनाव नहीं करा करके हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर कुछ नहीं किया, हमारे मुख्यमंत्री ने भी इस पर कुछ नहीं किया, तो इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं कराया गया? हमारी लोकतांत्रिक सबसे बड़ी व्यवस्था है या स्थानीय निकायों के लिए, जिस पर कि हमारी सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी व्यवस्थित रहती है, और उसको भंग होने दिया गया और अब ये प्रशासनिक लोगों के हाथ में चला जाएगा, जिससे कि पूरी व्यवस्था जो है इधर उधर हो जाएगी, रोज़मर्रे का जो काम है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, आम नागरिक की जो आवश्यकताएँ हैं वो पूरी नहीं होंगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को इससे क्या मतलब है? हमारे इसके लिए कितने लाख लोग होते हैं इसमें? 3 लाख। 3 लाख लोग जिस काम को मिलकर के कर रहे थे, अपने अपने क्षेत्र से संबंधित, उस रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित कार्यों को संपादित करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उसको भंग कर देने का क्या कारण हुआ? उन ये बात ऐसी नहीं है कि ये कोई अचानक हो गई, ये तो सब सुनिश्चित था। 9 तारीख को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, बाकी जो बचा है उसका कार्यकाल इस मंथ के अंत में ख़त्म हो जाएगा, तो वो स्वतः भंग हो गया। तो इसका क्या कारण है और इसके लिए उनका क्या विचार है, आगे इस पे जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर हमारा काम कैसे चलेगा। मैम, 9 जून से पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए था जी, तो नहीं हुआ जी। इसका असर क्या क्या पड़ेगा? इसका सारा ही असर पड़ेगा, जितना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो काम करती है, सब काम तो वही करती है, जितना हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जितना काम है, कूड़ा उठाना, सड़क की मरम्मत, पानी की व्यवस्था, सब कुछ तो वही करती है, तो अगर वो ध्वस्त हो जाए, उसमें भी कितने लोग काम कर रहे थे? 3 लाख लोग लगभग काम कर रहे थे, तो अगर इतने की सेवा समाप्त हो जाती है तो आप सोचिए कि ये जो सुचारू रूप से जो हमारा जीवन चलता है, आम आदमी की ज़िंदगी कितनी तहस नहस हो जाएगी। जैसे कि मैम, इसका फिर अब कानूनी प्रक्रिया क्या होगा? ये जो नहीं हुआ चुनाव, उसका तो कुछ कानूनी प्रक्रिया होगा, हमारे लोकतंत्र में तो इसका कुछ प्रावधान होगा। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब हमारे कानून के सर, इसका कानूनी प्रक्रिया क्या होगा? चुनाव तो कराना ही है उनको। अच्छा, चुनाव तो कराना ही है, कुछ महीने वो विलम्ब कर सकते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक बॉडी है, ये कोई किसी कानून से नहीं बना है, ये संविधान के प्रावधान से ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनती है, जिसमें कि ये आदेश है कि इनको चयनित होना चाहिए, चुना हुआ इलेक्टेड होना चाहिए, वो तो उनको करना ही है, ये विलंब कर सकते हैं। और जो लोग इससे दुखी हैं वो हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। सर, विलंब का कोई रीजन तो दिया? अभी तक सरकार ने कोई रीजन नहीं दिया। सरकार के ऊपर कोई भी एक्शन या कुछ भी? सरकार पर एक्शन क्या लिखा गया है? यहाँ से हमारे शैडो गवर्नमेंट के सदस्यों ने सरकार को लिखा है, गवर्नर को लिखा है, मुख्य न्यायाधीश स्टेट इलेक्शन कमीशन को लिखा है, इन लोगों ने चिट्ठी दिया है, या आप बताइए कि क्यों विलंब कर रहे हैं, तो अविलंब चुनाव कराइए, आप नौकरशाही के हाथों क्यों सारा सत्ता जो है सुपुर्द करना चाहते हैं? सर, शैडो गवर्नमेंट का मांग क्या क्या है सर? शैडो गवर्नमेंट की इसमें स्पष्ट मांग है कि सरकार 15 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण दे कि उसकी क्या कार्ययोजना है और वो ये चुनाव को कब करा रही है। और अगर 15 दिनों के भीतर सरकार स्पष्टीकरण नहीं देती है तो हम लोग या तो कोर्ट की शरण में जाएंगे या आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि जो भारत में 3 तरह की जो सरकारों की व्यवस्था है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मूलतः कानून बनाने की बात करते हैं, उनका काम कानून बनाना है, नीतिगत फैसले लेते हैं, जबकि जो भी नागरिक सेवा का अधिकार है वह स्थानीय सरकार करती है।
तो ऐसे में स्थानीय सरकार के महत्व को नकारना संविधान के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना है, जैसा कि सर ने बतलाया यह संवैधानिक व्यवस्था है। तो बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब इस चुनाव को एग्जीक्यूट करना चाहिए। इस पर है कि सरकार देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डेमोक्रेटिक संस्थान होंगे वो जब सुरक्षित रहेगा तभी डेमोक्रेसी सुरक्षित है। तो चुने हुए प्रतिनिधि को आप स्वतः विमुक्त कर रहे हैं तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आप चोट कर रहे हैं और सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। अभी तक कल 90 जो संस्थान समाप्त हुए हैं, नगर निगम और नगर पालिका ख़त्म हुआ कल, उसके चुने हुए प्रतिनिधि का बोर्ड ख़त्म हो गया, तो इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए था। सरकार ने स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है, उसको किसी तरह का महत्व नहीं दिया। इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उस पर इस सरकार की कोई आस्था नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सरकार की आस्था नहीं होगी, क्योंकि वह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था चुन के आते हैं। कल होकर के विधानसभा का इसी तरह से भंग कर दिया जाएगा तो हम लोग केंद्र सरकार से पूछेंगे कि क्यों भंग किए, और केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा कि विधानसभा क्यों भंग हुआ है और कब तक चुनाव होगा। लेकिन बिहार में स्पष्टली जो मुख्यमंत्री है या सरकार है वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे कर करके लापरवाही का जो नमूना पेश कर रही है वो बहुत चिंता का विषय है। बिहार के जितने प्रबुद्ध नागरिक हैं, आम लोग हैं, वो इससे बहुत दुखी हैं कि आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या समाप्त करने की कोई चाल चली जा रही है। नहीं तो सरकार को अपना स्पष्टीकरण तुरंत देना चाहिए। कल पेपर में भी, समाचार पत्रों में समाचार मुख्य पृष्ठ पर निकला और प्रथम न्यूज़ था, बैनर हेडिंग था। और आज के डेट में चूंकि सरकार ने किसी प्रकार का कोई रिएक्शंस नहीं दिया, प्रतिक्रिया नहीं दी, स्पष्टीकरण नहीं दी, आज कुछ भी नहीं पेपर में छपा है। तो पेपर समाचार पत्र के माध्यम से जनता की आवाज़ उठाई गई तब भी नहीं सुने। तो हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि आप इमीडिएट दीजिए, ये डेमोक्रेटिक संस्थान को अगर आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा तो उस देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और यह प्रक्रिया किसी भी हालत में नहीं शुरू होनी चाहिए। मैम, शैडो गवर्नमेंट इसका मुख्य कारक किसको मानती है कि जो स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हुआ, इसका इतना विलंब हुआ? और इसके लिए तो दो ही लोग जिम्मेवार थे, मुख्यमंत्री या फिर ये जो स्टेट कमीशन है, चुनाव आयोग, वही तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, इन्हीं लोगों को करना था। क्या उन लोगों का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता हमारे संविधान में कि इस तरह का लापरवाही? ये तो उन्हीं, वही, यही तो जनता सवाल पूछेगी उनसे। अभी हम पूछ रहे हैं जनता के का समझिए माउथ बन के हम पूछ रहे हैं, सब पूछेंगे और इसमें आगे आंदोलन भी हो सकता है, इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि आपकी जो जिम्मेवारी है आप अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं। जनता के लिए आपका जो कर्तव्य था आप उसको नहीं निभा रहे हैं। आपको समय पे ये इलेक्शन कराना था आप नहीं करा रहे हैं, किस कारण से नहीं करा रहे हैं आप ये भी नहीं बता रहे हैं। ये तानाशाही है, ये गलत बात है इस तरीके से बिहेव करना कि हम गलत भी करेंगे और हम आपसे बताएंगे भी नहीं, स्पष्टीकरण भी नहीं देंगे कि इसका क्या कारण है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। ऐसा तो है नहीं कि इतनी छोटी चीज़ है कि उनके दिमाग से स्लिप हो गया हो। तो कोई इतनी बड़ी बात को आप चुपचाप निभाए चले जा रहे हैं अपने आप में, क्या स्ट्रेटजी है आपकी, क्या सोच है आप बताते नहीं हैं। आज जैसा इन्होंने कहा कि अखबारों में आज कोई उसकी चर्चा नहीं है कि 90 निकायों का जो भंग हो गया, जो जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो आप उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चला जाए, स्टेट का पूरा कार्य वो लोग देखें, और उनके वश की ये बात है नहीं, क्योंकि उनको जनता से सीधा कोई मतलब होता नहीं। ये लोग जनता के प्रतिनिधि होते हैं और यही इनका काम देखते हैं, क्योंकि उनको 5 साल बाद आना है ना, फिर से वो जनता का काम नहीं करेंगे तो जनता फिर सवाल पूछेगी। ब्यूरोक्रेट को क्या है, वो तो 60 साल के बाद ही रिटायर करेगा। मैम, ये जो चुनाव जो होता है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसका सुचारूकरण हमारी सरकार का जिम्मेदारी है। जहाँ तक इसका जिस हिसाब से इसका पालन किया जा रहा है, इस पर साफ संदेह में दिखा, मतलब इस कहा जा सकता है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भंग करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। हाँ, ये बिल्कुल सोची समझी बात है, ये कोई अनायास नहीं हुआ है। इसका असर सर हमारे राज्य में क्या पड़ेगा और हमारे देश पर, हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या पड़ेगा? एक तो ये लोकतंत्र की हत्या के समान है कि आप एक व्यवस्था जो संविधान के द्वारा बनाई गई है उसको आप माने ख़त्म कर रहे हैं।
पहला। दूसरा कि लोगों का भरोसा ही इस पर से उठ जाएगा कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे, आप हमारी संस्थाओं को, आप हमारी व्यवस्थाओं को भंग कर दे रहे हैं, अगर नहीं चलने दे रहे हैं और आप उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं, अपने हाथ में ले रहे हैं या अपने द्वारा संचालित करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो लोग समझेंगे। और क्यों कर रहे हैं ये जनता भी जानती है, क्योंकि वो तो बैसाखी के सहारे खड़े हैं खुद। देखिए, सारे निकाय हैं, स्थानीय निकाय, ये 22-23 का बजट पास कर चुका है। मार्च के बाद ही बजट पास हो जाता है, तकरीबन समझिए 200-500 करोड़ का बजट पास हो चुका है, और भी ज़्यादा होगा, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ। बजट पास किया पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने, जो चुन के गए थे वार्ड कमिश्नर्स और चेयरमैन। कार्यान्वयन कौन करेगा? ये ब्यूरोक्रेट। फायदा कौन लेगा? कमीशन कौन खाएगा? कट कौन खाएगा? केवल ब्यूरोक्रेसी को मदद करने के लिए नीतीश सरकार, जो ब्यूरोक्रेट परस्त सरकार है, ये ब्यूरोक्रेसी से शासन चला रहे हैं, न तो MLA की सुनते हैं न किसी की सुनते हैं। इसीलिए यह किया जा रहा है, शुरू में ही जो खर्चा उर्चा होगा अपना एडमिनिस्ट्रेटर करा लेगा। सब जगह एडमिनिस्ट्रेटर बहाल हो चुके हैं, हर एक कॉरपोरेशन में, परिषद में, पंचायत में बहाल हो चुके हैं, वो लोग काम शुरू कर चुके हैं और सब जगह बजट पास हो गया है। इससे बड़ा असंवैधानिक काम और क्या हो? एक संवैधानिक बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव, और सारा पावर वेस्ट कर जाए नौकरशाही में, इससे बुरा प्रजातंत्र में और कुछ नहीं होता। किसी भी अपराध से गंदा अपराध है, इसको मानता हूँ। इसके लिए सर हमारे कोर्ट और हमारे जो ठीक है, लोग जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट करें, कर सकता है, नहीं भी कर सकता। और सर क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? बस यही कि सरकार अविलंब इस पर अपना स्पष्टीकरण दे और सरकार को ये चुनाव कराना चाहिए, या जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार है इसको रोके और जल्द से जल्द सरकार इस पर चुनाव इसका चुनाव कराए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।